हमारे स्कूल जो आजकल बाईपास पे बन रहे हैं, टोटली आजकल दुखद घटना है शहर के लिए। और इस दुखद घटना में भी परिवार ने नेत्रदान और त्वचादान की सहमति दी। परिवार को बहुत बहुत साधुवाद। इस दुख की घड़ी में भी उन्होंने अपना फर्ज देश के प्रति, समाज के प्रति निभाया है। श्रुति लुधियानी जो 6.5 वर्ष की बच्ची थी, उसका नेत्रदान हुआ। और कृति अग्रवाल 13 वर्षीय बच्ची, उसके नेत्रदान त्वचादान दोनों हुआ। ऐसे ही स्वस्तिक पांडा जो 11 वर्ष का बालक था, उसका भी नेत्रदान और त्वचादान हुआ। बहुत बहुत साधुवाद पूरे परिवारों को। इस दुख की घड़ी में भी जो दिल दहलाने वाली घटना उनके परिवार पे हुई है, जिसकी क्षतिपूर्ति कोई भी नहीं कर सकता, महज कुछ ही घंटों में नेत्रदान और त्वचादान होते हैं। और उस समय उस दुख की घड़ी में भी परिवार ने उसके लिए सहमति दी। बड़ा ही एक अनुकरणीय उदाहरण है एक सेवा भाव का परिवार के प्रति, परिवार का समाज के प्रति। 6 परिवार में रोशनी होगी और कई लोगों की जीवन बचेगी। जो त्वचादान है वो एक त्वचा से, एक व्यक्ति की त्वचा से कई लोगों को फ़ायदा होता है। तो कम से कम 10 से 15 लोगों की इससे जान बच पाएगी और 6 लोगों को इसमें रोशनी मिल पाएगी। 6 पुत्र ये नहीं कहना चाहिए कि 6 लोगों को, 6 परिवारों को ही रोशनी मिलेगी, क्योंकि किसी व्यक्ति का परिवार में अंधत्व होना अपने आप में परिवार के लिए एक दुख की घटना होती है। जी बताइए सर, इतनी बड़ी घटना है, कहीं ना कहीं लापरवाही किसकी है, जिम्मेदार कौन है 4 नन्हे बच्चों की मौत का? लापरवाही जो लगता है एक जनरल आदमी को भी लग जाएगा कि 10 दिन पहले RTO ने उस गाड़ी को फिटनेस का सर्टिफिकेट दिया था, तो फिटनेस का सर्टिफिकेट करने के बाद में कैसे स्टीयरिंग और ब्रेक फेल हो सकता है। इसके साथ ही प्रशासक के साथ साथ जो स्कूल का मैनेजमेंट है, वो बस के ऊपर कंट्रोलिंग उनका किस प्रकार का था, ये हादसा देख के आश्चर्य लगता है कि इतना बड़ा स्कूल होने के बाद में, इतनी बड़ी फीस लेने के बाद में, और ड्राइवर के ऊपर कंट्रोल होने के बाद में ड्राइवर की भी मौत हो चुकी है। लेकिन मैं तो सबसे बड़ा दोषी फिटनेस देने वाले RTO के जो अधिकारी है उनको देता हूँ कि उन्होंने फिटनेस किस कंडीशन करके इस बस को फिटनेस सर्टिफिकेट दिया। लुधियानी परिवार इंदौर का धर्मनिष्ठ परिवार है। मैं चाय के व्यापारी हूँ, मैं भी चाय का व्यापारी हूँ और उनसे मेरे 40 साल पुराना संबंध है। इस परिवार के अंदर 20 साल बाद इस बच्चे का जन्म हुआ, जो वो खुशी आज देखी, और 6-7 साल बाद इस परिवार के अंदर ऐसा बुरा हादसा हुआ। इस हादसे के अंदर पूरे परिवार के साथ साथ पूरे इंदौर शहर को हिला दिया कि इस धार्मिक परिवार के अंदर भी इस प्रकार का हादसा हो गया, तो पूरा परिवार हिल गया है। तो मैं तो इस अवसर पर भी ये कहना चाहता हूँ कि
इतना दुखद घटना में भी उन्होंने नेत्रदान किया और त्वचा दान दिया, ये उनके परिवार की आध्यात्मिकता जलती है, वो परिवार कितना सेवाभावी है, दानवीर है और अपने इस घटना के समय भी कितना अपने आप में संयम और धैर्य रखता है। ऐसे परिवार को मैं साधुवाद और नमन करता हूँ। इसके साथ ही प्रशासक और मैनेजमेंट के ऊपर निश्चित कार्रवाई की जाए। तेज कुमार तातेड़, इंदौर, टी मर्चेंट एसोसिएशन वाइस प्रेसिडेंट। हेलो, हेलो, हाँ, नेटवर्क अप डाउन हो गया। देखिए, ये मंदिर आ गया। हाँ हाँ, देखिए, गुरु का नाम संग है, वाहेगुरु नाम संग है, गुरु का नाम संग है, नाम संग है, गुरु का नाम संग है, नाम संग है, गुरु का नाम संग है, गुरु का नाम संग है, वाहेगुरु नाम संग है, झूले लाल संग है, वाहेगुरु नाम संग है, गुरु का नाम संग है, नाम संग है, वाहेगुरु नाम संग है, नाम बेटा तुम दादा को बिठा, बिठा बेटा, इतना की बाताओं के साथ बिठा दे। हेलो बाबा, सफाई में इतने पास कर नाम संग है, वाहेगुरु नाम संग है, गुरु का नाम संग है, निकल गया।